6 अप्रैल को होगा कार्य बहिष्कार। वीकेएस परिहार विद्युत वितरण कंपनी के निजीकरण के विरोध में फोरम की बैठक सारणी यूनाइटेड फोरम के संयोजक सोनू प्रताप पांडे, अभियंता संघ के हिरेश तिवारी और विद्युत मंडल कर्मचारी यूनियन के क्षेत्रीय महामंत्री अंबादास सोने ने बताया कि मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के महासचिव वीकेएस परिहार मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम की ओर से एक दिवसीय प्रवास पर सारणी आए। इस मौके पर प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार द्वारा वितरण कंपनी के निजीकरण एवं जारी स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट को मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया जाए, प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारी अधिकारियों को बिहार एवं आंध्र प्रदेश सरकार की तरह नियमित करना, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के कार्मिकों की पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था उत्तर प्रदेश शासन की तरह गारंटी लेकर पेंशन ट्रेजरी से देना, अधिकारी कर्मचारियों के सभी वर्गों की 3 वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, कंपनी कैडर के कार्मिकों को एवं संविदा कर्मियों को 50%, साथ ही सेवानिवृत्त कार्मिकों को 25% विद्युत छूट देना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थगित किए गए महंगाई भत्ता और वार्षिक वेतन वृद्धि का लागू कर भुगतान किया जावे। सारणी से आशीष उड़े की रिपोर्ट आज के बाद। मैं वीकेएस परिहार, संयोजक मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स। आज हमने सारणी में ये एक बैठक रखी थी यूनाइटेड फोरम की, कि जो यूनाइटेड फोरम द्वारा 4 जनवरी से 7 फरवरी तक एक कैंपेन चलाया गया था, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री को अपने 5 बिंदुओं पे एक ज्ञापन सभी को सौंपे था, और इसके बाद माननीय मंत्री जी ने 23 फरवरी को हम लोगों से मीटिंग भी की थी, और मीटिंग में ये कहा गया था कि हम आपके इन मुद्दों के लिए प्रशासन से और शासन से मीटिंग कराएंगे, उनको सॉल्व कराएंगे। लेकिन 15 दिन का समय देने के बाद भी माननीय अपने ऊर्जा मंत्री जी ने इस पे कोई विचार नहीं किया ना ध्यान दिया है, इसीलिए अब हम माह अप्रैल से फिर से यूनाइटेड फोरम के बैनर तले अपना कैंपेन चलाना शुरू कर रहे हैं। इसी संबंध में हमने सभी लोगों, जो अपने सारणी के सभी संगठन के लोग प्रमुख लोग हैं, उनसे आज विचार विमर्श किया है, और हम 2-4 दिन के अंदर ही अपना नया प्रोग्राम जो हमें यूनाइटेड फोरम के बैनर तले देना है वो हम माननीय मुख्यमंत्री को देंगे, जिसमें कि हमारे जो मुद्दे हैं उनको यदि सॉल्व नहीं किया जा सकता है तो फिर हम सप्लाई बंद करने पर भी विचार कर सकते हैं।